मम्मीज चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इजी नो ओवन ब्रेड पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा हम तवे पर बनाएंगे और ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा हम बनाएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के मैंने 3-4 ब्राउन ब्रेड लिया, फायर ब्रेड भी ले सकते हैं, और मैंने बारीक कटी हुई कैप्सिकम, बारीक कटा हुआ टोमेटोज, उसके साथ लिया है ये बटर, फिर ये मैंने चटनी बनाई हुई है, ये ग्रीन चटनी है, कोरिएंडर चटनी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और ये है कद्दूकस किया हुआ चीज़, मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जितना टोमेटो केचप लिया हुआ है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें जो बारीक कटा हुआ कैप्सिकम था उसको ले लिया है, फिर उसके साथ साथ जो टोमेटोज थे उसको लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैंने जो चाट मसाला लिया हुआ था वो ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली, चिली फ्लेक्स सब डाल दिया है, और इसको डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। और अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ जो चीज़ है उसमें से थोड़ा चीज़ इसमें मिला लेंगे। अब मैंने ब्रेड ले लिया है और ब्रेड पे जो हमने टोमेटो केचप लिया हुआ था उसे स्प्रेड करेंगे। इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है पूरी ब्रेड के ऊपर। अब मैंने जो ग्रीन चटनी बनाई हुई थी ये मेरी अलग रेसिपी है, बिकॉज़ मोस्टली लोग ये ग्रीन चटनी नहीं लगाते हैं, पर मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई थी स्पेशली इसमें लगाने के लिए। तो ये ग्रीन चटनी भी मैं इसे पे इवनली स्प्रेड कर दूँगी। इससे आपके पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है वो बहुत ही मतलब एनहेंस हो जाता है। अब मैं जो मैंने मिक्सचर रेडी किया हुआ था वेजिटेबल का उसको इस ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, बिकॉज़ बच्चों को पिज़्ज़ास बहुत अच्छे लगते हैं और वो ऐसे हम अगर सब्ज़ी बना के उनको खिलाएं तो वो इतने अच्छे से खाते नहीं हैं, पर अगर ये ऐसे आप खिलाओगे तो ये हेल्दी भी रहता है और सारे वेजिटेबल्स भी बच्चे खा लेते हैं। इसके ऊपर अब हम चीज़ स्प्रेड करेंगे और पूरी ब्रेड पे कवर हो जाए ऐसे अच्छे से चीज़ को हमें स्प्रेड करना है। अब मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, आप इसकी जगह पे तवा भी ले सकते हो, और इसको अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने इस पे जो हमने बटर लिया हुआ था उसमें से 1 चम्मच बटर यहाँ पे लेके इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस प्रोसेस में जो हमारा गैस की आंच होती है वो हम स्लो रखेंगे और जो ब्रेड लिया हुआ था उसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम इसको एक ढक्कन से ढक देंगे और ढक्कन ढकने के बाद 1 मिनट तक इसे पकने देंगे।
और आप देख सकते हो कि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बनके रेडी है। ये देखिए, ये बहुत ही मतलब चीज़ कितना मेल्ट हो गया है और एकदम यम्मी पिज़्ज़ा बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसे बीच में से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये कितना हेल्दी और एकदम ही चीज़ी मस्त पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बनता है और बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये यम्मी एंड हेल्दी पिज़्ज़ा आप अपने बच्चों को एज ए लंच बॉक्स भी दे सकते हैं या फिर एज एन इवनिंग स्नैक भी, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए।